ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ऐसे मामलों में कुछ भी कर सकती है। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। जब यहाँ के अयोध्या का फैसला आया उसमें भी कहा गया कि ये और इश्यूज के लिए नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जान बूझ करके संस्थाओं से खिलवाड़ कर करके ये फैसले करा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से आज तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं जहां हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जिसने कारसेवकों पर गोली चलवाने का पाप किया था, जो चाहते तो उसका प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी और इससे पतन के रास्ते पर जाए। कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो यह है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में है। अखिलेश यादव जी को पता होना चाहिए कि मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है जब मूर्तियां स्थापित होती है, परंतु इस प्रकार से हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये एक संविधान पापी इकोसिस्टम का चरित्र बन चुका है। इसीलिए कभी श्री राम के अस्तित्व को नकारना, कभी राम मंदिर को 70 वर्ष तक कोर्ट में लटकाना अटकाना भटकाना, कभी राम सेतु को तोड़ने की साजिश रचना, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का वोट बैंक के चक्कर में ये बार बार ऐसे बयान आना, ज्ञानवापी में जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है उसका सांप्रदायिकरण करना, उसका मजाक उड़ाना, ये इनका चरित्र बन चुका है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।